नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों संत कबीर नगर जिले की बात करें जहां पे 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें मेहदावल, खलीलाबाद और घनघटा विधानसभा सीट आती है। तो यहां पे इन तीनों विधानसभा सीटों की बात करें, यहां से कौन सी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, कौन से पार्टी से कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है, इसको हम देखेंगे। लगभग 8 से 9 चरण की मतगणना संपन्न हो चुकी है। हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले मेहदावल की ही बात कर लेते हैं। मेहदावल विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पे समाजवादी पार्टी से जयचंद उर्फ जयराम पांडे मैदान में थे। इनको कुल 29.8% वोट मिले, यानी कि 17,626 वोट मिले हैं। और अगर जो बात करें ताबीज खान, जो मेहदावल में शुरुआत से ही बढ़त बना के आगे आए हुए हैं, ताबीज खान जो है बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पे मैदान में हैं, इनको कुल 19,210 वोट मिले हैं। वहीं पे अनिल कुमार त्रिपाठी जो दूसरे नंबर पर, कड़ी टक्कर यहाँ पे मेहदावल में देखी जा रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे निषाद पार्टी जो बीजेपी की समर्थित पार्टी है, चाहे आपका बहुजन समाज पार्टी हो, तीनों में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। लेकिन अभी की बात करें बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी मोहम्मद ताबिज खान यहां पे 19,210 मत लेके आगे चल रहे हैं, और दूसरे नंबर पे 18,667 मतों के साथ अनिल कुमार त्रिपाठी बने हुए हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या अनिल कुमार त्रिपाठी भोजन भरी थाली चुनाव चिन्ह यहां पे आगे आ पाते या नहीं। लेकिन हम बात कर लेते हैं घनघटा विधानसभा सीट की, जहां पे गणेश चंद्र बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनको 40,165 वोट मिले हैं। वहीं अलगू प्रसाद, ओपिनियन पोल में यह कहा जा रहा था कि अलगू प्रसाद चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन यहां पे थोड़े से नतीजे गड़बड़ होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 36,202 वोटों के साथ यहां पे अलगू प्रसाद दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, और बीएसपी के कैंडिडेट 18,000 वोटों के साथ यहां पे तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। वहीं एक और विधानसभा सीट आती है संत कबीर नगर जिले में, खलीलाबाद विधानसभा सीट की बात करें, यहां पे अमरिंदर भूषण इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से 212 वोट मिले हैं, बीएसपी के आफताब आलम को 9,733 और अंकुर तिवारी बीजेपी के कैंडिडेट है, जिनको 7,686 वोट मिले हैं। वहीं पे बात करें अगर जो हम जय चौबे समाजवादी पार्टी के, इसके पहले बीजेपी से विधायक थे, लेकिन बाद में अंतिम समय में ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और इनको टिकट मिला, और ये आगे चल रहे हैं यहाँ पे नंबर वन पे खलीलाबाद विधानसभा सीट से 15,874 वोटों के साथ जय चौबे यहाँ पे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सुबोध चंद्र यादव का क्या हाल है भाई खलीलाबाद में। तो सुबोध चंद्र यादव यहाँ पे 852 वोट मिले हैं सुबोध चंद्र यादव को। लेकिन अगर जो बात करें यहाँ पे खलीलाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, मेहदावल विधानसभा सीट से बात करें तो बसपा आगे चल रही है, और खलीलाबाद घनघटा विधानसभा सीट की बात करें यहाँ पे बीजेपी आगे चल रही है। यानी कि संत कबीर नगर जिले की दो सीटें कहीं ना कहीं एक बीएसपी, एक बीजेपी और एक समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी आगे क्या होगा, क्या पासा पलटता है या नहीं। बने रहिए हमारे साथ पल-पल विधानसभा चुनाव के अपडेट के लिए। आप किस विधानसभा सीट से आते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके अपनी विधानसभा सीट का नाम बताओ, और चलिए मिलते हैं शुरू में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।